ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज राहुल लाहुल आर्जिन म्यूजिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिकॉर्डिंग या फिर म्यूजिक से रिकॉर्डिंग, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। चलिए भाई, आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा H2O पी लिया जाए, बहुत ज़रूरी पानी भी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूज़िक की शुरुआत हम कैसे करें, फिर स्टूडियो में हम कोई भी म्यूज़िक हम कैसे बनाएं, उसको स्टार्टअप हम कैसे करें, किस चीज़ से करें, हाउ। तो आप ले सकते हैं सबसे पहले जो मैं कहता हूँ आपको कि आप पियानो से स्टार्ट कीजिए, कोई भी आप की ले लीजिए, ठीक है। अब ये आप कवर ट्रैक पर भी कर सकते हैं, सेम आप ओरिजिनल ट्रैक्स पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पे ये जो है कर सकते हैं आप। उसके बाद इसको किसी मिक्सर ट्रैक पर असाइन कर लीजिए आप, और मेक श्योर कि मैं अपना चेक कर लेता मेरा मीडी कनेक्टेड है या नहीं। ओके, कनेक्टेड है। तो अभी मेरे पास ये कीबोर्ड है, ठीक है। अभी कुछ भी प्ले करूँगा तो ये ऐसा साउंड करेगा, ठीक है। सॉरी, ओके। तो अभी इस पर हम कुछ ड्रॉ करके देखते हैं कि अब इस पर स्टार्ट कैसे करें। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इस पर अच्छा फील आए, इसलिए इस पर मैं एक अपना प्रीसेट डाल देता हूँ इस पर, डीले और रिवर्ब का, ताकि थोड़ा सा क्या है वो बोरिंग सा ना लगे जब इसको हम आगे कंटिन्यू करें। तो ठीक है, इसको यहाँ से करता हूँ साइड चेन थोड़ा सा, ये हल्का, बस आप सुनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास, हमको सबसे पहले ये जानना है भी हमारे पास जो गाना है, जो वोकल सैंपल है, वो उसका स्केल क्या है। अभी तो मेरे पास कोई वोकल नहीं है, मेरे पास अभी कौन सा वोकल अभी अवेलेबल, अभी तो मेरे पास कोई भी वोकल नहीं, सॉरी। लेट मी चेक, मैं एक बार देख लेता हूँ शायद कि मेरे पास कोई वोकल अवेलेबल हो प्रोजेक्ट में, कहाँ पर मुझे वोकल मिल सकता है। यहाँ पर वोकल 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 वोकल, ये एक मेरे क्लाइंट का ही ट्रैक है, तो सोच रहा हूँ कि इस पर ही मैं एक बार देख लूँ। आई थिंक इसको एक बार चेक कर लो, शायद ये एक वोकल होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, तेरा प्यार। ओके, ये एक हमारे पास है, बट इसका स्पीड को ज़्यादा ही हो गया है लगता है मुझे, एक्चुअल में ऐसा स्पीड नहीं है इस गाने का। तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, मेरी जान यही प्यार है मेरा। तेरा प्यार जो है दीदार। ओके, अब ठीक है, चलिए हमारे पास एक वोकल सैंपल आ गया। अब हम चाहते हैं यार इस पे हम कुछ बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक दे, कुछ कुछ बढ़िया सा कुछ हलचल करे बैकग्राउंड में, ताकि सुनने में बड़ा मज़ा है लिसनर को, है ना। तो अभी हम इस पे क्या करेंगे, हमारे पास कीबोर्ड है तो हम कीबोर्ड से स्टार्ट करेंगे। हम कुछ भी एक कॉर्ड, पहले इसका कॉर्ड फाइंड करेंगे क्या कॉर्ड है, और इस गाने का काम किए काफ़ी टाइम हो गया मुझे, तो मुझे भी कॉर्ड का उतना अंदाज़ा नहीं है क्या होना चाहिए इसका, बट चलिए ट्राई करते हैं साथ में ही। अभी तो साथ में बनाना है, थोड़ा इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस एक ओवरऑल एक इसका बेस स्ट्रक्चर जो बनाएंगे बस, है ना। पूरा गाना नहीं कंटिन्यू करेंगे हम। तेरा प्यार जो है तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, मेरी जान यही प्यार है मेरा। वाओ, तो ये कॉर्ड निकल, बहुत जल्दी कॉर्ड निकल, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था ये शायद मे बी ये ए माइनर के आसपास है, तो डायरेक्टली मैंने एफ माइनर के बाद मैंने डायरेक्टली ए माइनर पर जम किया और ये एग्जैक्टली निकल गया, ठीक है। तो क्योंकि मैं जब कुछ प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो थोड़े से माइंड में उसका जो है होता है कि शायद ये मे बी इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट जो इसका चाहूँ तो मैं डायरेक्टली ऐसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा वैसे मुझे। प्ले करो देन उसको वो करो, तो अपन यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं और चलिए रिकॉर्ड करते हैं। तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, मेरी जान यही प्यार है मेरा। तो चलिए अब ये रिकॉर्ड हो गया है, इसको हम सेट कर लेते हैं अपने
कंट्रोल क्यू के साथ और एक जिंदगी कंट्रोल एस के साथ। ओके, इसको सेव नहीं करता मैं, चलो, क्योंकि टेम्प्रेरी है जस्ट, ये अभी आपको दिखाने के लिए है, सिखाने के लिए है, आपके समझने के लिए है ये वीडियो। इस पर ज़्यादा हम ओ इस पर ज़्यादा हम सेव नहीं करेंगे इसको। चलिए भाई, इसको हमने कर दिया है कुछ इस तरीके से। बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आ रहा होगा भाई, थोड़ा सा उसको यार इग्नोर कर देना यार, है ना, घर में वीडियो बनाते ही हाल होता है। ओके, चलिए अब इसको प्ले करते तेरा हैं। प्यार जो है दी ओ तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, मेरी जान यही प्यार है मेरा। अब देखिए, हमारा इतना काम हो गया, अब आपका आधा से ज़्यादा काम हो चुका है गाने का। अब कुछ नहीं करना आपको, बस ये जो कॉर्ड्स है ना, इनके ही बेस पे सारे के सारे आपके पैड्स निकल जाएंगे, आपकी बेस गिटार निकल जाएंगे, आपके और भी जो भी चीज़ें हैं। आप अगर कुछ आरपीजीओ पैटर्न करना चाहते, आरपीजीओ पैटर्न, मतलब सारे कुछ आपकी इस नोट्स निकल जाएंगे। इसको थोड़ा सा और एडवांस मगर हम खेलना चाहें तो इसको हम इस तरीके से हम इसको कर देंगे, देन इसको वापस से तेरा प्यार जो है तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, मेरी जान यही प्यार है मेरा। तेरा प्यार जो है ओके, ठीक है, मतलब शायद कॉर्ड में कुछ मिस्टेक था, बट ओके, ठीक। तो अब यहीं से आपके बेस नोट निकल जाएंगे, आपके गिटार के नोट निकल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़। एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि मैं, चलिए इसमें गिटार कुछ, चलिए अपन पिकअप गिटार इसमें डाल लेते हैं, पिकेट गिटार डाल लेते हैं, और कैसा साउंड करता भाई। ओके, ठीक है, चलिए इसको भी ट्रैक पर असाइन कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये असाइन किया, और इसको भी यहीं से ही मैं इसके साथ में जो है लिंक कर दूँ, ताकि वो हमको रिवर्ब वाला चीज़ मिल जाए। देन कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ से इसको कॉपी करना है और जाकर एक गिटार के लिए एक नया ट्रैक बना लीजिए, सॉरी नया पैटर्न बना लीजिए। नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसका आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जल्दबाजी में नेमिंग को पीछे ना छोड़िए। इसको हम थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं, ज़्यादा नीचे हो गया। अब इसको अपन आरपीजीओ पैटर्न में डालेंगे, ठीक है। वो कैसे, वो ऐसे कि आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। हम सुन लेते हैं साथ में बैठ करके कि क्या बनेगा। तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, मेरी जान यही प्यार है मेरा। ठीक है, ये बन गया हमारा एक बेसिक से ट्रैक बन गया। अब इसके पीछे हम अगर बेस गिटार ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा और ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे कि अपन ऐड करके हम वो भी देख लेते हैं क्या होता है। बेस गिटार के लिए मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, देखिए स्टॉक प्लगइन में बहुत सारी चीज़ें भाई, अगर आप अच्छे से इन चीज़ों को ट्रीट करना जानते हैं तो बहुत अच्छा मिक्स कर लेंगे, तो साउंड भी अच्छा आएगा। नहीं तो वैसे तो मैं आपको अच्छा अच्छा प्लगइन भी अगर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ तो तब भी आप मतलब कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, है ना, ऐसा वाला बात हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे अपन एक बार बेस लाइन अपन डाल के देखते हैं भाई। वैसे चलिए ठीक है, इतना ज़्यादा हो गया ये, वापस इसको कट कट करना पड़ेगा। तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा, तेरा प्यार जो है दीदार है मेरा। अब मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा ये जो नोट है ना, ये नोट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है हमारे ट्रैक को, तो इसको हटा देते हैं अपन।
तेरा प्यार जो है दीदार मेरा, तेरा प्यार जो है दीदार मेरा, मेरी जान यही प्यार मेरा। तो देखिए, ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें हम चाहें तो और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, हम सिंबल ऐड कर सकते हैं, हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम टैम्प ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करते जाओगे। देखिए इतने में ये सिर्फ 3 लेयर के साथ ही कितना ये गाना जो है खिले तेरा में। प्यार जो है दीदा, और ये गाना ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर, आप जाकर सुन सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा म्यूज़िक नहीं है उस पर, चेंज है म्यूज़िक, बट ये रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, तेरा प्यार मेरा प्यार, ठीक है, मेरी जान नाम है सॉन्ग का, तो ये रिलीज़ हो चुका है ऑलरेडी। तो ऐसे आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया इस चीज़ को, आने वाले वीडियोज़ में और भी लाऊंगा मैं, और भी अच्छे तरीके से खुल के बताऊंगा। और इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि कवर ट्रैक्स कैसे बनाते हैं। ये ओरिजिनल का हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास एक ऐसे कोई भी अगर ऑडियो आता है, तो आप उस पर कैसे गाने को अपन वो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, स्केल निकाला गाने का, की क्या है, देन मैंने पियानो को उसको सबसे पहले स्केल निकाला, फिर इसके बाद मैंने ये कॉर्ड्स को ड्रॉ किया। अब चाहूँ तो इन कॉर्ड्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ जो मेरा मन करे। सपोज़ कि मैं, चलिए ये जो गिटार का ही कॉर्ड है, इसको मैं कॉपी करके इस वाले जो बेसिक सा कॉर्ड, इस पे हटा कर मैं इसको पेस्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे ला लेता हूँ, आप तेरा सुनते हैं। प्यार जो है दीदार मेरा, तेरा प्यार जो है दीदार मेरा, मेरी जान यही प्यार मेरा। ठीक है, तो देख रहे हैं अब कैसा ये साउंड कर रहा है। बिल्कुल नॉर्मल कॉर्ड जब बज रहा था वो, तो कुछ खास मज़ा नहीं आता ना। बस मैंने क्या किया, बस कॉपी पेस्ट, सेम कॉर्ड सेम चीज, लेयरिंग है बस, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ। ठीक है, तो ऐसे आप अपने कवर सॉन्ग या फिर ओरिजिनल सॉन्ग के बैकग्राउंड में आप ऐसे जो है कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं म्यूज़िक। ठीक है, तो भाई वीडियो बताइए, वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो आपको सॉरी मतलब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे लगे कि आपको भाई पसंद आ रहा है वीडियो, तब तो मैं जो आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। तो लाइक बरकरार रखें इस वीडियो पर।